आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। टावर लगाने पहुंचे अधिकारियों के सामने फिर किसानों ने जताया आक्रोश। किसान और अधिकारियों के बीच टकराव होने पर विधायक ने रखी देर शाम दोनों पक्षों की बैठक। सनावद जूनापानी पास के ग्राम राजपुरा में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी और किसानों के बीच टावर लगाने को लेकर टकराव की स्थिति बन गई। विधायक सचिन बिरला ने किसानों और कंपनी के बीच सुलह के प्रयास करने के लिए देर शाम बैठक रख समाधान का प्रयास किया। पिछले दिनों गंगवाला क्षेत्र के किसानों के खेतों में बिजली के टावर लगाने के लिए विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी और किसानों के बीच मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बनने पर एक बार फिर किसानों ने इस बात पर प्रशासन के सामने अपनी बात आक्रोशित होकर रखी। सनावत से निमाड़खेड़ी तक रेलवे के लिए 132 केवी पावर सप्लाई की लाइन के लिए 63 टावर 16 किलोमीटर में खड़े करने हैं, जो खेतों में से होकर जाएंगे। खेतों में टावर खड़े करने के लिए किसानों के खेतों में टावर लगाने के लिए कंपनी जो मुआवजा दे रही है उसे किसान संतुष्ट नहीं। कंपनी ने सरकारी मशीनरी का सहारा लेकर टावर लगाने का प्रयास किया तो किसान खेत की मेड़ पर बैठ गए। शुक्रवार देर शाम को इस मामले में जनप्रतिनिधियों के आगे आने से किसानों की बात को बल मिला और खेतों में गड्ढे खोदने पहुंची जेसीबी को वापस आना पड़ा। इस मामले में जहां ग्रामीण नेता इंदर बिरला ने किसानों की बात रखी, वहीं किसानों द्वारा सूचना के बाद विधायक सचिन बिरला भी हस्तक्षेप करने पहुंचे और मामले को लेकर अपनी बात अधिकारियों के सामने कहते हुए किसानों का पक्ष रखा। देर शाम तक किसान और अधिकारियों के बीच सामंजस्य नहीं बन पाने के बाद खंगवाड़ा में सभी पक्षों के बीच बैठक होने के बाद इसमें कुछ नतीजा निकलने की संभावना है। किसानों की मांग, बाजार मूल्य के अनुसार मिले मुआवजा। इलेक्ट्रिक रेलवे के लिए 132 केवी सनावत से निमाड़खेड़ी तक लाइन के लिए किसान कुछ खेत में टावर लगाए जा रहे हैं, जिसका मुआवजा गाइडलाइन के तहत दिया जा रहा है, लेकिन किसान टावर के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा मांग रहे हैं, जो अधिकारी नहीं दे रहे। इसी को लेकर किसान और प्रशासन आमने सामने है। किसानों ने बताया कि हमारी 1.5 बीघा जमीन है, उसके बीच में टावर लग रहा है, मुआवजा 1 लाख दे रहे हैं। टावर लगने से खेत की कीमत बहुत कम हो जाएगी। हमने टावर खेत के किनारे लगाने में कोई आपत्ति नहीं की, मगर कंपनी वाले नहीं मान रहे। इसी तरह अन्य किसान भी उचित मुआवजा मांग रहे हैं। किसान नेता इंदर बिरला इसे किसानों के दमन की नीति बनाकर राजनीतिक तूल दे रहे हैं। विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री सतीश दुबे ने बताया, हमने किसानों को भूमि अधिग्रहण की गाइडलाइन और टावर मटेरियल रखने से होने वाली फसल के नुकसान की भरपाई के आधार पर भी मुआवजा देने को कहा, परंतु किसानों को मंजूर नहीं। शासन की योजना है कि रेलवे को 132 केवी लाइन पावर लाइन मिले, इसलिए 63 टावर लगाना है, जिसमें 36 टावर लग चुके हैं, 27 टावर लगने हैं। प्रयास कर रहे हैं किसी किसानों के समन्वय से टावर लग जाए। बैठक के दौरान SDM अनुकूल जैन, SDOP विनोद दीक्षित, तहसीलदार SR कनासे, TIMR रोमड़े सहित पीड़ित किसान मौजूद थे। विधायक सचिन बिरला ने बताया कि जो भी पीड़ित किसान हैं उनसे बंद कमरे में चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास किया है। फिलहाल कंपनी के अधिकारी इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर कार्य करेंगे। वहीं किसानों की बिना सहमति के टावर नहीं लगाने, आगे कार्य नहीं करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।